हम लास्ट क्लास में जो थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे थे। तो अब पुनः मैंने आपको जहां तक बताया कि हंटर कमीशन जो है उसका स्थापना हुआ, और हंटर कमीशन ने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या किया, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें रेजिनॉल्ड और डायर, ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर को क्या किया गया, निर्दोष माना गया। और उसने तो भारतीय लोग सोचे एक तो उल्टी हत्या हुई और उनको जो इसका दोषी था उसको निर्दोष भी मान लिया गया। उसके बाद गांधी ने क्या किया, इस हत्याकांड के विरोध में अपनी जो केसरी हिंद की उपाधि है ना जो उसको मिला था वो वापस कर दिया, और टैगोर ने क्या किया अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दिया, किसको, अंग्रेजों को। अब जो है कि भारत के नेताओं ने क्या किया, अब एक काम किया कि भारतीय नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने विशेषकर पंडित मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया, एक आयोग का गठन किया गया। ठीक ना, ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू कमीशन। इस आयोग ने कहा क्या, यह आयोग कहता है कि इस हत्याकांड में कम से कम 800 लोग मारे गए और लगभग 1000 लोग घायल हुए, 1000 लोग घायल हुए। ठीक ना, ये आप ध्यान रखिएगा, 1000 लोग कम से कम इसमें इंजर्ड हो गए। और अंततः जब यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे विभीषण भयानक घटनाओं में से एक मानी जाती है, और अंततः रेजिनॉल्ड ओ डायर को इस हत्याकांड के बाद उसका यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अक्टूबर 1940 में, क्योंकि इस हत्याकांड का दोषी तो पंजाब का गवर्नर भी तो उतना ही दोषी है, क्योंकि आपके ही राज्य में तो ऐसी घटना घटी कि आपका ऑफिसर आपके अधीन नहीं काम कर रहा है। तो माइकल ओ डायर जो हैं, माइकल ओ डायर जो, वो क्या किया, जब ये लंदन गया तो एक भारत के क्रांतिकारी जिनका नाम था उधम सिंह, 1940 में इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी, 1940 में इसकी हत्या कर दी। ठीक ना, तो उधम सिंह को बाद में फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत, जलियांवाला बाग हत्याकांड को मैं फिर दोबारा रिकॉल कर देता हूं मैं, कि 6 अप्रैल को भारत बंद का आयोजन किया गया और 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके अंतर्गत रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को क्या किया गया, पंजाब की आम जनता ने क्या किया, जलियांवाला बाग नामक जगह पे शांति मार्च किया, और उसमें पंजाब का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था माइकल ओ डायर, और ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड ओ डायर ने क्या किया, ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड ओ डायर ने क्या किया, बिना किसी चेतावनी के उन निर्दोष प्रदर्शनकारियों पे, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, प्रेग्नेंट औरतें भी थी, मजेदार वादी है कि गर्भवती महिलाएं थी, उन लोगों पे क्या किया, बिना किसी चेतावनी के उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकार के अनुसार इसमें 479 लोगों की जान चली गई, मौत हुई, और 800 लोगों की घायल, 800 लोग इसमें बेचारे घायल हो गए। और एक आयोग, इस हत्याकांड की जांच के लिए एक क्या हुआ, एक आयोग का गठन किया गया जिसे क्या बोला गया, हंटर कमीशन कहा गया। और इस हत्याकांड के बाद गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, और टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, पुनः पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे मोतीलाल नेहरू आयोग कहा गया। और इस आयोग के अनुसार 800 लोग इसमें मारे गए और 1000 लोग घायल हुए। लेकिन इस हत्याकांड के 20 साल बाद पंजाब का एक, हरियाणा बोलिएगा आप, पंजाब उस टाइम हरियाणा पंजाब का भाग था,
एक नौजवान जिसका नाम था उधम सिंह, वो लंदन जाकर माइकल ओ डायर की 1940 में क्या करते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बाद में उनको वहीं पे उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक ना। अब मैंने इस घटना को क्या किया, अब पूरा आपको विस्तार से इसका व्याख्या कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया बिल्कुल फ्रेश चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, गांधी युग, ठीक ना। गांधी युग, गांधी एरा। देखिए गांधी युग हुआ गांधी एरा। अब हम इसको पहले समझना शुरू करते हैं। तो देखो भारतीय इतिहास में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ऐसे जगह स्थापित कर देते हैं भारतीय इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में, जो आप उनको कितना भी अमिट छाप वो छोड़ जाते हैं। और उनमें से महात्मा गांधी एक थे। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये हुई कि अभी अमेरिका का राष्ट्रपति जो है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक ना। तो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने ना, 2016 में राष्ट्रपति बने, तो 2016 से पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के उनका नाम था बराक ओबामा, बराक हुसैन ओबामा। तो 2016 से 2008 वो लगातार दो साल वो राष्ट्रपति बने। तो 2016 से 2012 और 2012 से 2008, चार चार साल का राष्ट्रपति का वहाँ पे क्या होता है, पद होता है अमेरिका में। तो क्या हुआ, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने ना, तो ये विश्व इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, टर्निंग पॉइंट कि अचानक कोई चीज़ घटना मुड़ जाती है। तो ओबामा जब राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो क्या हुआ, राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो राष्ट्रपति बने ना, तो एक महिला, उनका नाम है ओपेरा विनफ्रे, ओपेरा विनफ्रे, ठीक ना। तो ओपेरा विनफ्रे जो है, ये मैम, पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। ये ओपेरा विनफ्रे एक ऐसी महिला है जो ना इंटरव्यू लेती हैं, और इनका जीवन भी बहुत संघर्षमय जीवन व्यतीत हुआ। कि जब ये 18 साल की थी, ये दूसरे घरों में बर्तन मांजती थी, और बर्तन मांझ कर इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, और आज ये दुनिया के 10 शक्तिशाली महिलाओं में से इनकी गिनती होती है ओपेरा विनफ्रे की। और आज ये जिनका इंटरव्यू ले लें, अगर मेरा इंटरव्यू ले लें तो मैं रातों रात फेमस हो जाऊंगा अमेरिका में, पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊंगा। तो ओपेरा विनफ्रे जब ओबामा का इंटरव्यू ले रही थी, तो इंटरव्यू लेने के बाद ओबामा से पूछती है ये कि भाई ओबामा जी, आप तो राष्ट्रपति बन गए, अब आपकी अंतिम इच्छा क्या है, कि भाई आपकी इच्छा क्या है। भाई मेरी इच्छा क्या है, मैं प्रोफेसर बन जाऊं, यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। लेकिन जो बंदा अब अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पद पे, अब उसकी इच्छा क्या होगी। तब ओबामा ने ऐसी बात कही जो दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि मैडम, मेरे पास अगर टाइम मशीन होता ना, टाइम मशीन, जैसे आज 2 अगस्त है, तो 1 अगस्त 2020 कभी नहीं आएगा, 31 जुलाई 2020 तक कभी वापस नहीं आएगा, यानी कि पीछे जाना।
उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास क्या हो, आप बोल सकते हैं टाइम मशीन हो, तो मैं पीछे जाऊंगा, और पीछे जाने के बाद क्या होगा, जब पीछे जाऊंगा मैं और पीछे जाने के बाद क्या होगा, मैं कुछ व्यक्तियों को अपने घर पर निमंत्रण दूंगा, इनवाइट करूंगा और उनके साथ में डिनर करूंगा। मैं अपनी वाइफ से बोलूंगा कि मेरे लिए डिनर तैयार करो, उनके लिए डिनर तैयार करो, और हम सभी परिवार के सभी सदस्य जो हैं उनके साथ डिनर करें। ये कौन कह रहा है? ओबामा। और उनमें उन किन किन लोगों का नाम लिया? उन्होंने नाम लिया किसका? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दूसरे महात्मा गांधी। तीसरा नेल्सन मंडेला। चौथा म्यांमार, जो बर्मा है ना, म्यांमार की विदेश मंत्री आंग सांग सू ची, उनका नाम है आंग सांग सू ची। पांचवा जो है, एक अमेरिका में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेकंड। ठीक ना, मैं इन पांचों व्यक्तियों के साथ आऊंगा और उनके साथ क्या करूंगा, मैं लंच करूंगा। मैं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। अगर मेरी अंतिम इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कौन कह रहे हैं? ये गांधी, ये ओबामा कह रहे हैं ओपेरा विनफ्रे के से। तो उन्होंने बोला कि, ओबामा ने कहा कि ये पांचों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा का पूरा जीवन क्या किया, मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और उसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि नेल्सन मंडेला को छोड़कर, गांधी, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेकेंड, इन तीनों की एक खासियत है कि इन तीनों को गोली मारा गया। अब्राहम लिंकन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेकेंड की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और गांधी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन तीनों को गोली मार दिया गया। जब इन तीनों को गोली मार दिया गया ना, किन्होंने मारा? जो इनके दुश्मन थे, जो इनको पसंद नहीं करते थे। और इन तीनों, ये पांचों की खासियत ये है कि इन्होंने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए क्या किया, अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपना जीवन उसमें व्यतीत कर लिया। ठीक ना, तो आखिर यार एक सोचो, एक कॉमन सी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, और अमेरिका का राष्ट्रपति होकर वो बंदा कह रहा है कि मैं गांधी के साथ, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मैं उसके साथ लंच करूं, तो सोचिए उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा कितनी ज़्यादा होगी, वह व्यक्ति कितना महान होगा, है कि नहीं? उस व्यक्ति की महानता कितनी जबरदस्त होगी, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन क्या हुआ कि आपने एक व्यक्ति का नाम और सुना होगा, वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर है ब्रेवो, ठीक ना, ब्रेवो, ये ना एक गाना गाया है, डीजे इसको, इसका एक डीजे भी चलाता है, डीजे चलाता है, और इसने एक गाना है चैंपियन में क्या बोला, ब्रायन लारा चैंपियन, ओबामा चैंपियन, सेरेना विलियम्स चैंपियंस, ओपेरा विनफ्रे चैंपियंस, यानी कि क्रिस गेल चैंपियन, डीजे ब्रेवो चैंपियन। अर्थात ना, एक ऐसा ना पूरी दुनिया में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जो गोरे लोग हैं ना, गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, वो ही ज़्यादा समझदार होते हैं, और काले लोग के पास दिमाग नहीं होता है। तो क्या ये वास्तव में सही बात है कि काले लोगों के पास दिमाग नहीं होता है और गोरे लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा दिमाग होता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, ऐसा होता है, आज भी होता है, पूरी दुनिया में छुआछूत होती है, आप सब जानते हैं, इवन टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी में जो कलाकार प्रदर्शन करता है, फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ, तो यार गोरा हो जाने का कोई क्रीम थोड़ी ना है, ये तो प्रकृति घटना है। अगर गोरा होना सब शुरू हो जाए तो फेयर एंड लवली की बिक्री सबसे ज़्यादा अफ्रीका में होगी, भारत में तो नहीं होगी, नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोग सामले हैं, और दक्षिण भारत में ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ के लोग भी सामले हैं। और रंग से किसी व्यक्ति की गुण, रंग से किसी व्यक्ति का चरित्र नहीं पता किया जा सकता है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम काले रंग के थे लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद
काले रंग के हैं लेकिन भारत के राष्ट्रपति हैं, तो हमने उनके रंग के आधार पर नहीं, हम उनके गुण के आधार पर हम उनकी प्रशंसा करते हैं। जबकि कश्मीर में आतंकवादी सब गोरा है लेकिन सेना देखते साथ उसको गोली मार देती है। दोनों फर्क है। रंग के आधार पर किसी व्यक्ति का गुण का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि वह व्यक्ति रंग है। जाति के कोई अगर मुसलमान है, कोई अगर हिंदू है, कोई अगर गोरा है, कोई काला है, उस आधार पर किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं की जा सकती है कि वह व्यक्ति कैसा है। उसके द्वारा किए गए डिसीजन को ही हम क्या करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो जब गांधी को गोली मारा गया तो गांधी जी के चार बेटे थे। तो गांधी जी को जब गोली मारा गया ना, तो गांधी के चारों बेटों में से सबसे बड़ा बेटा जो है उनका नाम था देवदास गांधी। मैं जब लिखवाऊंगा तो आपको कराऊंगा मैं, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा बैकग्राउंड। जब तक आप नहीं समझेंगे मज़ा नहीं आएगा। गांधी के जो चार बेटे थे उनका बड़ा बेटा जो है उनका नाम है देवदास गांधी, और वो चारों के चारों बेटे गांधी के अत्यंत विद्वान, बहुत विद्वान, गांधी से हजारों गुना विद्वान, विद्वान बड़े लोग। उनका बड़ा बेटा जो है देवदास गांधी, वो एक अखबार आता है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, संपादक हैं। तो सोचिए वो कितने विद्वान रहे होंगे, पढ़े लिखे रहे होंगे। तो गांधी, देवदास गांधी, और लेकिन वो नशा भी करते थे, ड्रग्स लेते थे, वो शराब वराब पीते थे वो। तो जब गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू आया और उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी की हत्या हो गई है, अब उनका पोस्टमार्टम वार्टम सब कुछ हो गया है, तो अब आप क्या करो कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनको बेटा ही तो उनको आग देता है, मुख अग्नि कौन देगा, उनका बेटा देगा, तो चलो दो। तो पहली बात तो वो जाने को तैयार नहीं था, कौन, देवदास गांधी, बोला मर गया मरने दो। लेकिन बड़ी मुश्किल से क्या हुआ, नेहरू और माउंटबेटन ने उसको कन्विंस किया और कहा कि चलिए आपको जाना चाहिए। तो जब देवदास गांधी ने अपने जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने पिता के शरीर में आग लगाया, और आग लगाने के बाद क्या हुआ, जब इस हत्या का जो दोषी था उसका नाम था नाथुराम गोडसे और विनायक आप्टे, इन दोनों ने ये कहा, तो नाथुराम गोडसे जब जेल में थे, अंबाला जेल में, तब देवदास गांधी उनसे मिलने के लिए गए, यानी कि उनकी फांसी जब होने वाली थी, परसों फांसी होने वाली है, आज वो मिलने गए उनसे। वो कहते हैं कि यार, देवदास गांधी जो हैं नाथुराम गोडसे से कहते हैं, कहते हैं यार तूने ना बहुत गलत काम किया, मुझे पता है तू बहुत बड़ा देशभक्त है, मुझे पता है तू बहुत बड़ा देशभक्त है, पर तूने ना एक ऐसी गलती करी कि पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी और पूरी दुनिया तुझे एक आतंकवादी और एक हत्यारे के रूप में तुझे जानेगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तू बहुत अच्छा आदमी है। ये कौन कह रहा है, देवदास गांधी कह रहा है नाथुराम गोडसे को। और वो कहा कि ये भी हो सकता था कि 30 जनवरी 1948 को तूने पापा को, फादर को गोली मार दिया गांधी जी को, लेकिन ये भी तो हो सकता था 31 जनवरी को उनको हार्ट अटैक आ जाता और उनकी मौत हो जाती, लेकिन तूने क्या किया, गांधी नामक एक शरीर की हत्या की, गांधी के विचारों की हत्या नहीं कर पाया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी से बहुत नफरत करता था, अपने पिता से, जबकि वो गांधी के बारे में वो बात कह रहा है कि गांधी की, आपने गांधी नामक शरीर की हत्या की, गांधी के विचारों की हत्या आप नहीं कर पाए, बहुत बड़ी बात हो जाती है, गांधी के विचारों की हत्या आप नहीं कर पाए। जब गांधी की मौत हो गई तब अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम तो सुना होगा आपने, बहुत बड़े वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी से की मौत पर शोक संदेश में लिखते हैं कि यह विश्वास करना मुश्किल है, यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक हाड़ और मांस वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा है और उस पर कुछ मांस चढ़े हुए हैं, उसने बिना किसी हथियार के ब्रिटिश साम्राज्य को हिंद महासागर से उखाड़ कर सीधे अटलांटिक महासागर में उखाड़ कर उठा के फेंक दिया, ये विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये हुआ।
लेकिन मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति इसलिए हूँ क्योंकि मैंने गांधी को अपनी आंखों से देखा। लेकिन मेरे से पिछला वाला जो जनरेशन है ना, जो पीछे वाला, जो मेरे से पहले वाला जनरेशन और मेरे से आगे वाला जनरेशन, तो पीछे वाला जनरेशन जो है वो तो गांधी को नहीं देख पाया, वो तो ऑलरेडी मर गया क्योंकि गांधी उसमें पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन अगला जनरेशन जो है ना, यानी कि हम लोगों का जनरेशन, हम गांधी को सिर्फ पढ़ सकते हैं। और आइंस्टाइन गांधी की ये ऐसे तारीफ के शब्द जब उनकी हत्या हो जाती है तब बोलते हैं। तो यार अब क्या करते हैं गांधी, तो गांधी ना हम महात्मा गांधी को नहीं पढ़ेंगे, हम गांधी के विचारों को पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, गांधी, हर व्यक्ति की अपनी अच्छाइयाँ होती है, हर व्यक्ति की अपनी बुराइयाँ होती हैं। व्यक्ति दो तरीके से सक्सेस होता है। अगर व्यक्ति वो निजी ज़िंदगी में सक्सेस है, सफल है, तो उसका सार्वजनिक क्षेत्र का जीवन, यानी वो ज़्यादा पैसे वाला नहीं होगा। और अगर वो सार्वजनिक रूप से सक्सेस है तो हम निजी ज़िंदगी में उसका सक्सेस नहीं होता है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी निजी ज़िंदगी में ताका झाकी नहीं करेंगे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, हमें क्या मतलब, भाई मैं क्या खाना खा कर आया हूँ, मेरी माँ के साथ क्या संबंध है, मेरे घर के साथ क्या संबंध है, क्या मतलब है। और मैं भी किसी स्टूडेंट से, आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई आपके घर में क्या संबंध है। तो मैं नरेंद्र मोदी के काम से मुझे टेंशन है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे ये नहीं टेंशन कि भाई उसने अपनी पत्नी और माँ के साथ उसके साथ संबंध कैसे, हमें क्या मतलब है, ये उसका निजी मामला है और होना चाहिए, ये संविधान भी हमें गारंटी देता है। तो गांधी की निजी ज़िंदगी पर जाने के बजाय हम गांधी के काम को देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी के काम को देखता है निजी ज़िंदगी में क्या है। भाई अकबर की हम तुलना अच्छा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अकबर ने अच्छा काम किया, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं अकबर ने अच्छा काम इसलिए किया कि उसने बहुत सारे विवाह कर रखे हैं, नहीं, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी भाई कि कौन कैसा शादी करता है, विवाह करता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई इंटरेस्ट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन दी पर्सनल लाइफ। तो गांधी, गांधी का निजी जिंदगी, उनके बेटों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसका मतलब क्या हम गांधी को पूजना छोड़ दिए, गांधी को पढ़ना छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं, हम गांधी को आज भी पढ़ रहे हैं, गांधी को पढ़ने का हमें, हमारे पास आज भी अधिकार है। तो ठीक ना, तो पहले, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं गांधी का, मैं बायोग्राफी यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, मैं दो तीन स्टेप में होगा गांधी का बायोग्राफी, उसके बाद जो है फिर मैं इसको अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में मैं विस्तार से उसकी व्याख्या करना शुरू करूँगा। जब इसकी विस्तार से व्याख्या करूँगा मैं, तो गांधी जो हैं, गांधी का हम जीवन से, जीवन का परिचय, तो और उसके बाद जो है गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से फिर वो भारत आते हैं, भारत में उन्होंने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए, इन सभी आंदोलन का मैं क्या करूँगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं विस्तार से व्याख्या करना शुरू करूँगा मैं, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गांधी का जीवन चरित्र जो है पढ़ना। तो मैं अभी गांधी का जीवन चरित्र यहाँ पे विस्तार से व्याख्या लिखूंगा नहीं, मैं इसको अगली क्लास में आपको लिखवाऊंगा, लेकिन मैं पहले, सबसे पहले इसकी क्या करता हूँ, मैं गांधी की व्याख्या करना शुरू करता हूँ, गांधी को समझाना शुरू करता हूँ मैं, ठीक ना। तो सबसे पहले गांधी एक बेहद संपन्न किस्म के एक बनिया वैश्य परिवार के, गुजरात में उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि कोई भी बंदा, दम होना चाहिए, कोई भी बंदा अपनी सच्चाई को स्वीकार करे कि हाँ मैंने ये गलत काम किया। तो गांधी की दो किताब है, गांधी ने, गांधी की किताब और पत्रिकाएं तो बहुत होंगी, मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन गांधी जी की सिर्फ दो पत्रिकाएं हैं, दो किताब हैं, एक किताब का नाम है माई सत्याग्रह इन अफ्रीका, अफ्रीका में मेरे द्वारा किए गए सत्याग्रह, और दूसरा है सत्य के साथ मेरा किया गया प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा किया गया प्रयोग है, ठीक ना, ये दो किताब हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गांधी जो हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं मांस खाता था, शराब पीता था, सोचो गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं, मैं मांस खाता था, शराब पीता था, और मेरे दोस्तों के साथ, बुरे दोस्त थे, मैं उनके साथ भी घूमता था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि 15 वर्ष की अवस्था में गांधी का विवाह कस्तूरबा नामक लड़की के साथ कर दिया, कस्तूरबा गांधी उनसे 1 वर्ष बड़ी थी, उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया। और विवाह के बाद क्या हुआ,
गांधी जी के पिता की मौत हो गई और गांधी ने अपना 10वीं का एग्जामिनेशन पोरबंदर से ही पास किया, वहीं से लोकल स्कूल से। और जब उनकी मौत हो गई ना, उनके पिता की मौत हो गई, तो उनकी माँ ने, उनकी माँ पुतली बाई जो थी, मैं अभी आपको बायोग्राफी लिखाऊंगा सब आपको पता चल जाएगा, उनकी माँ एक साधारण घरेलू भारतीय महिला थी। और जैसे कि लड़के होते हैं उनके माथा पे कसम बोला कि मेरे माँ सर की कसम खाओ कि तुम जब इंग्लैंड जाएगा वकालत करने के लिए, LLB करने के लिए, तो वहाँ पे किसी भी वेश्या के साथ ना तो तुम शराब पिएगा, ना तुम मांस खाएगा, और तुम बिल्कुल सादा जीवन जीना शुरू करेगा। तो गांधी ने क्या किया, अपनी माँ की कसम माथे पे हाथ रख लिया और गांधी जी लंदन चले गए। सोचो कि गांधी जी उस समय लंदन गए पढ़ने के लिए, तो गांधी कोई गरीब आदमी तो होंगे नहीं, नेचुरल सी बात है, गांधी भाई हमारी हैसियत अभी नहीं है भाई लंदन जाके पढ़ाई करने की, लेकिन वो बंदा उस समय लंदन जाके पढ़ाई कर रहा है तो कुछ ना बात रही होंगी ना। तो गांधी बहुत ही रिच फैमिली का रहा होगा, और गांधी के जो सबसे क्लोज फ्रेंड जो थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, और चर्चिल बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो सोचो जो बंदा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन रहा है तो वो बंदा कोई गरीब तो होगा नहीं, और ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज से वो पढ़ रहे हैं गांधी। तो गांधी जब वहां गए, कहां, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जाने के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने, उनको शराब पीने की लत थी, वो गए बार में, जैसे ही एंटर किया तो उन्हें अपनी माँ की कसम याद आ गई, और वहाँ से उन्होंने सोचा कि अगर मैं शराब पी लूँगा, अगर ये बात माँ को पता चल जाएगा तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। और उसी दिन से गांधी ने शराब पीने का निर्णय और मांस खाने का निर्णय छोड़ दिया। देखिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ठीक है अपराध कर लिया, लेकिन अपराध के बाद अपराध का बोध हो जाता है कि चलो अब मैं नहीं करूँगा, ये उसका सबसे बड़ा अच्छा निर्णय माना जाता है। और 1885 में क्या हुआ, गांधी भारत वापस आ गए। गांधी भारत आए अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ। तो गांधी जब भारत आए तो उनका यहां पे भारत में उनका वकालत अच्छा नहीं चला, और 3-4 साल जो है 1891 में गांधी भारत आए और गांधी की यहां पे LLB वकालत यहां पे ढंग से नहीं चली। और गांधी की वकालत यहां पे नहीं चली तो गांधी 1893 में, कब, 1893 में गांधी अफ्रीका गए। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गांधी अफ्रीका गए, अफ्रीका गए, ठीक है ना। लेकिन बेटा ध्यान रखना 1893 का वर्ष भारतीय इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानता हूं मेरे अकॉर्डिंग, एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट माना जाता है 1893 का वर्ष भारत के लिए। कैसा, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या हुआ, एक बंदा, एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र नाथ नामक व्यक्ति जो है, ये बंगाल के हैं। इनके गुरु का नाम अभी बता देता हूं मैं, नरेंद्रनाथ 1893 में ये बंगाल से आते हैं खेतड़ी, कहां आते हैं खेतड़ी, ये राजस्थान में जगह का नाम है। और खेतड़ी के राजा, खेतड़ी का राजा अजीत सिंह, क्या नाम है, अजीत सिंह, इनको एक उपाधि देता है और उस उपाधि का नाम जानते हैं क्या है, उपाधि है क्या, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद इनका क्या है, उपाधि है। और स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो जाते हैं, और जो उन्होंने हिंदुस्तान, हिंदुत्व और हिंदू धर्म पे जो व्याख्यान दिया, जो पूरी की पूरी दुनिया में वह फेमस हो गया, स्वामी विवेकानंद रातों रात वो फेमस हो गए। और इनके गुरु का नाम जो है वो आप लोग सब जानते हैं, उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। ये बहुत, ये CDS का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक ना, रामकृष्ण परमहंस, ये इसी में से CDS के 2 क्वेश्चन निकले हुए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जो है उनके गुरु हैं, और वो क्या किए,
हिंदू धर्म पर उन्होंने क्या किया, एक महान व्याख्या दिया, कहां पे, अमेरिका के शिकागो में। ये पहली घटना। दूसरी घटना क्या घटती है, दूसरी घटना ये घटती है कि एक महान क्रांतिकारी जो बंगाल में इतना ज्यादा क्रांतिकारी का जो अलख जगाया उन्होंने, और बाद में वो भाग कर पौंडेचेरी आ जाते हैं, जिनमें तिलक, लाल बाल पाल जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सभी के सभी उनके शिष्य हैं। उनका नाम है अरविंदो घोष। और अरविंदो घोष जो है ना, ये बंगाल से भागकर पौंडेचेरी आ जाते हैं और यहाँ पे संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। कहाँ पे, पौंडेचेरी तमिलनाडु में। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो घटना ये है कि गांधी अफ्रीका गए। किसके साथ गांधी अफ्रीका क्यों गए, इसलिए गए क्योंकि भारत में उनका व्यापार, उनका पैसा सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, उनको यहाँ पे अच्छा केस नहीं मिल रहा था। तो गांधी अपने साथ क्या किए, एक कंपनी थी अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला लॉ फर्म, ये कंपनी का नाम है अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला लॉ फर्म। में गांधी इस कंपनी में रिक्वेस्ट आया कि यहाँ पे भैया जूनियर वकील की वैकेंसी खाली है, आप जाना है तो जाइए। तो गांधी जी को यार मौका मिला, भाई गांधी जी को पता चला कि यार लंदन से आने के बाद मेरी यहाँ पे ढंग से मेरा व्यापार नहीं हो रहा है, मुझे कोई अच्छे केस नहीं मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो गांधी जो है मौका देखा और वो अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के, दो बच्चे जो हैं वो भारत में भी तो पैदा हो गए थे उनके, और दो बच्चे अफ्रीका में पैदा हुए। गांधी अपनी बीवी बच्चे सहित क्या हुआ, अफ्रीका चले गए, कब, 1893 में। और जाने के बाद वो पहुँचते हैं कहाँ, केपटाउन। जब गांधी केपटाउन पहुँचते हैं तो एज ए जूनियर वकील की हैसियत से वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, जज अगले दिन कोर्ट में पेश हुए, ये पगड़ी पहने हुए थे, भारतीय कपड़े पहने हुए थे। जज जो है कहता है कि मैं मिस्टर गांधी आपको अपना पगड़ी उतारना पड़ेगा, और पगड़ी उतार कर जो है आप यहाँ से जाइए, क्योंकि ये पगड़ी को सिर्फ यहाँ का जज पहन सकता है, आप नहीं पहन सकते हैं। तो यार ये बात तो बहुत बुरी बात है कि कोई पगड़ी पहने, कोई महिला साड़ी पहने, कोई व्यक्ति धोती पहने, कोई व्यक्ति कौन से कपड़े पहने, ये उसका निजी मामला है ना। अगर कोई महिला आपकी माँ या मेरी माँ साड़ी पहनती है तो इसका कदापि तात्पर्य यही निकालना चाहिए कि वह एक मूर्ख महिला है। ऐसा कहाँ, कपड़े से किसी की मूर्खता का और ज्ञानता का पहचान थोड़ी ना होता है। अब कोई व्यक्ति शर्ट पैंट कोट पैंट पहन ले और वो गोली चला दे तो उसमें कौन सी बात आते हैं, तो उसके कपड़े की क्या वैल्यू है, कपड़ा तो कोई मैटर नहीं करता। तो गांधी ने पगड़ी उतारने से साफ इनकार कर दिया, बोला मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा और आपको जो करना है कर लो। जज के साथ उनका बहुत तीखा बहस हुआ। जज ने कहा कि आपको यहां से पगड़ी उतार कर ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोर्ट छोड़ना पड़ेगा। गांधी ने क्या किया, कोर्ट छोड़ने का निर्णय लिया, और गांधी ने कहा कि मैं बिना अपनी शर्त पर रहूंगा, आपकी शर्त पर नहीं रहूंगा। और गांधी को पता चल गया कि यहां पर शोषण ज्यादा होता है, गोरे कालों का भेद वहां पर धीरे धीरे, लेकिन गांधी के मन में अभी ऐसा विचारधारा नहीं आया कि मुझे ये सब धरना प्रदर्शन करना है, ये सब उनके माइंड में अभी नहीं आया, ठीक ना। अब अंततः क्या हुआ, अगले दिन भी गांधी के साथ यही पंगेबाजी शुरू हो गई। उसके अगले दिन चौथे दिन जो है गांधी जज जो है वो बोला कि आ जाओ पगड़ी पहन के आओ, पर शर्त यह है कि जब सुनवाई होगी सुनवाई के दौरान आपको पगड़ी उतारनी पड़ेगी, बाद में आप पगड़ी पहन लेना। गांधी को यह समझौता समझ में आया कि भाई दोनों की तरफ से झुकना पड़ेगा, और अंततः समझौता हो गया दोनों के बीच में। लेकिन जैसे ही समझौता हुआ तब गांधी के जीवन में एक ऐसी घटना घट जाती है कि गांधी को गांधी बना देता है, और वो घटना जो है अब मैं उसका व्याख्या करने वाला हूं। और ये घटना 1895 की एक घटना घटती है। घटना ये घटी कि गांधी ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया गांधी को केपटाउन। ये ध्यान रखना, ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एसएससी में ये क्वेश्चन, पिछले बार का एसएससी सीसीएल सीजीएसएल का क्वेश्चन है ये, केपटाउन से जोहान्सबर्ग।
ये दोनों शहर जो है ना, केप टाउन से जोहान्सबर्ग, ये दोनों शहर जो है ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है। तो गांधी को केप टाउन से जोहान्सबर्ग जाना था, कैसे? ट्रेन के माध्यम से। ये घटना कब की है? 1895 की बात है। 1895 में गांधी ने केप टाउन से जोहान्सबर्ग जाने का क्या किया, वो डिसीजन लिया। तो अब क्या हुआ कि गांधी ने क्या किया, फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट ले लिया। अब फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट लिया ना, तो गांधी जैसे ही फर्स्ट क्लास ट्रेन में गए तो टीटी आया। ये घटना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा स्टेशन उनको उतार के फेंक दिया। तो गांधी जैसे ही फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे तो टीटी आया और बोला कि आपका टिकट कहाँ है। तो बोला मेरे पास टिकट ये रहा। तो बोला क्योंकि आप काले लोग हैं तो आप लोगों के लिए थर्ड क्लास कंपार्टमेंट है, फर्स्ट क्लास में आप मत जाइए। तो गांधी को क्या किया गया, गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बोला मेरे पास तो फर्स्ट क्लास टिकट है। तो गांधी ने क्या किया, जाने से इनकार कर दिया। तब वो टीटी जो है उनको क्या किया, इस स्टेशन पर पीटर मत्स वर्ग, ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है स्टूडेंट्स, आप इसको दिमाग में छाप लीजिए कि ये स्टेशन हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टीटी ने क्या किया, गांधी को उस स्टेशन पर उतार कर नीचे कर दिया। उतार कर जब नीचे कर दिया उनके सामान के सहित, तो एक विद्वान थे लुई फिशर, ठीक ना, वो विद्वान कहते हैं कि अगर वो टीटी मुझे मिल जाता ना तो मैं उसको बहुत मार मारता, तो मैं उसको बहुत मार मारता